2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आज याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी आई एस सदन हमारे दो सरगरम कारकुन वेंकट और पवन की आज ज्वाइनिंग है। तो फिरोज खान मेरी सदारत में और हमारे महेश कुमार गौड़ साहब है वर्किंग प्रेसिडेंट और अभी होने वाले एमएलसी उनकी सदारत में ये दो जने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। और हमारा ये मैसेज था इनको कि आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का है। एक पूरे हैदराबाद लोकसभा हलके में एमआईएम का दबदबा है और उसके बाद में बीजेपी का असर है। सो ये दोनों पार्टीज जो है, चाहे वो एमआईएम लो और बीजेपी लो, ये दोनों मिलके है। अगर से बीजेपी की कोई बी टीम है तो वो है एमआईएम पार्टी, और असदुद्दीन जो है बीजेपी का एजेंट है, ये सारी दुनिया को पता चल गया। जब हम पहले बोलते थे तो लोग भरोसा नहीं करते, पर आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया ये बोल रही कि असदुद्दीन बीजेपी से अलायंस करके सारे हिंदुस्तान में फिर के कांग्रेस को कमजोर करते। तो आज हमारे कार्यकर्ता को हमारा ये मैसेज था, आज हमारी हुकूमत आ गई, आप आवाम में जाइए, काम करिए। रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स है आपको कॉपरेट करना पड़ता, म्यूनिसिपल के ऑफिसर्स, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, हर कोई आपको कॉपरेट करना पड़ता। हर छोटी चीज के ऊपर आप पब्लिक की आवाज बनिए, चाहे नल रहो, मोरी रहो, ड्रेनेज रहो, चाहे वो मच्छर रहो, कुत्ता रहो, और प्रजा पालना जो हमारी हो रही, तो ये उसके अंदर हम 6 गारंटीज जो दे रहे हैं, वो 6 गारंटी जो हर घर तक पहुंचता है आपके जरिए आप पहुंचाइए। आवाम को एक भरोसा दीजिए कि जो भी 6 स्कीमा है, आज जो बस में आप फ्री फिर रहे हैं, और आने वाले दिनों में खवातीन को 2,500 और जो बुजुर्ग है उनको 4,000 पेंशन, 500 रुपए जो गैस अभी जो इमीडिएटली मिलने वाली है, ये पूरे स्कीमा कांग्रेस पार्टी दे रही और आप उसका एक जरिया बनिए। आवाम में एक भरोसा दिलाइए कि कांग्रेस पार्टी है जो आजादी लाई थी, कांग्रेस पार्टी है तेलंगाना लाई थी, और ये कांग्रेस पार्टी है जो सोने का तेलंगाना बनाएंगे। तो इस रास्ते पे हर एक हमारे कार्यकर्ता को चलना जरूरी है। खाली कांग्रेस का कंडवा पहनना उतना अहमियत नहीं रखता, मगर आवाम की तकलीफ में आप काम आना, कमजोर को काम आना, गरीब को काम आना, मजलूम को काम आना, और हर एक मजहब के लिए आप आगे बढ़ना। कांग्रेस की खासियत गंगा जमुना तहजीब, हिंदुस्तान की खासियत अनेकता में एकता, हर एक गरीब कमजोर का आप काम करना, और जो ओल्ड सिटी के अंदर कांग्रेस नहीं है आज आप उसको मजबूत करिए, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत है और एक बेहतरीन हमारा मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी अन्ना। तो उनका रेवंत रेड्डी अन्ना से जब मैं बात करा तो उन्होंने पलटा के बोले मेरे को, बोलो फिरोज खान हैदराबाद के लिए क्या करेंगे। तो मैं पहले बोला, अन्ना पहले बोकस वोट निकालो, हैदराबाद हलके के अंदर 5 लाख बोकस वोट है। तो इस दरमियान हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा मैसेज था, कांग्रेस को मजबूत करो। जय हिंद, जय कांग्रेस।